Hey guys, welcome back to my channel. Today I have created this makeup look inspired by Selena Gomez. If you don't know about her, she is an American singer, songwriter, actress and television producer. So how do you like my makeup? If you like my makeup, then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, in this makeup look, Selena have done very soft and pinkish makeup. I tried my best, hope you like. I don't look like her, but I have tried to make them just look like them. Okay guys, let's start without any delay. गाइस सबसे पहले मैंने अपनी स्किन केयर कर लिया था, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ इनसाइट का प्राइमर. ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है, सिलिकन बेस्ड प्राइमर है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है. और प्राइमर मैं अच्छे से लगा लूँगी और ये बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देता है. देन अब मैं लगाऊंगी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, तो इसे डैब डैब करके हम लगा लेंगे. डॉट डॉट सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको. और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और लगा लेंगे. फाउंडेशन इज कम्प्लीट, तो अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर. और ये NY बेकर कंसीलर है और इसे हम लगाएंगे आदिवासी टाइप में. तो अच्छे से लगाने के बाद हम इसे वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे, सेट कर लेंगे. ओके, अभी मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा, क्रीज नहीं आएगी कोई भी. तो ये भी NY बेकर प्राइमर, वो कॉम्पैक्ट पाउडर है. तो आईज़ मेकअप में मुझे आईज़ पे कोई मेकअप नहीं लग रहा था, तो मैंने जस्ट ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड लिया है, अपने आईलिड पे लगाऊंगी. क्रीज से ऊपर नहीं जाना है और आईलिड पे सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल लाइट करके ब्लेंड कर लेना है इसको, ब्लेंडिंग आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. और ऐसे ही दोनों आईज पे भी कर लेना है. ओके, एलेटीन का मैंने काजल लिया है, इसको मैं एज ए लाइनर लगाऊंगी क्योंकि मुझे लाइनर नहीं लग रहा था सेलेना के मेकअप में. तो स्मजर की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा हल्का हल्का स्मज कर लिया है. और अब मैं लोअर वाटर लाइन पे भी काजल लगा लूँगी और इसे भी ऐसे ही स्मच आउट कर लूँगी. उसके बाद अब मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है अपने आईब्रो के लिए और मैं अच्छे से इसे फिलअप कर लूँगी. उसके बाद मैं ये स्पूली के हेल्प से, मतलब ऊपर के साइड में कॉम करूँगी जिससे आईब्रो थोड़ी लिफ्टेड लगे. ओके, उनके मेकअप में सबसे ज़्यादा आई थिंक चीक्स पे ध्यान दिया गया है, तो मैंने चीक्स पे अब ब्लश लगाया है लिपस्टिक की हेल्प से और अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. देन कॉन्टोर कर रही हूँ मैं, कॉन्टोर बहुत लाइट कॉन्टोर करूँगी और इसे भी स्मज कर लूँगी.
ओके अब नोज कॉन्टोरिंग भी मैं ऐसे ही कर लूँगी और इसे भी स्मच कर लूँगी, इसे ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैंने हाइलाइटर लिया है, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, इसमें मैंने पिंकिश शेड लेके मैंने हाइलाइट कर लिया। और लिपस्टिक मैं ले रही हूँ जिस कलर की मेरी ड्रेस है, जिस कलर की सेलिना की ड्रेस है, तो ये मुझे थोड़ी डार्क लग रही थी, तो अभी मैं एक न्यूड शेड लूँगी लिपस्टिक का और अपने लिप्स पे लगाऊँगी, जिससे ये वैसा कलर आ पाए जैसा मुझे चाहिए। तो या और अब मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मेकअप सेट कर लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके इसे सेट कर लूँगी। और मैंने आई लैशेस कर्ल कर लिए हैं लैशेस लगो मस्कारा लगाने के बाद। तो या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल मेकअप लुक, होप यू लाइक, बाय बाय।